आइए हम रुख करते हैं किचन का, जो कि आजकल महिलाओं की परेशानी का सबब बन गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गैस ही नहीं, प्याज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक प्याज कुछ जगहों पर मिल रही है। दूसरी तरफ एलपीजी जैसा कि गैस महंगी होती जा रही है, दूध की कीमतें दिसंबर के महीने में ही बढ़ी हैं। ऐसे में एक मीडियम क्लास फैमिली जो है, एक मिडिल क्लास जो फैमिली है, उनकी समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं। यहाँ किचन का रुख कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर कितना मुश्किल होता है कि हर रोज़ एक जद्दोजहद से गुजरना, जिसमें कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ बजट ही मेंटेन नहीं करना, लेकिन पूरी गृहस्थी मैनेज करनी होती है। तो रेनू जी, जैसे कि अभी फिलहाल आप गृहस्थी को मैनेज भी कर रही हैं, इस मैनेजमेंट में कितना डिसरप्शन आ गया है, प्रॉब्लम कितनी आ गई है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इन दिनों मैनेजमेंट ना, हम चाहकर भी मैनेज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बेसिक नीड की चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर में चाहिए चाहिए। बच्चों के साथ है दूध भी चाहिए, प्याज की जो बात करते हैं तो खाने में वैरायटी भी चाहिए, सेहत का भी हम ध्यान रखते हैं तो हमें फल सब्जियां भी चाहिए। इवन जो मैं कहूँगी सीजनल जो सब्जियां होती थी वो बहुत सस्ती आती थी, आलू महंगा, प्याज महंगी, दूध महंगा, और ऊपर से ये सिलेंडर की कीमत महंगी, तो बजट कहाँ से बनाए? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है बट सोर्स ऑफ इनकम हमारा नहीं बढ़ रहा, रोजगार खत्म हो चुके हैं, तो कहाँ से मैनेज करें? बहुत मुश्किल चीजें हो गई हैं, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम इन सब चीजों से। परेशानी यहाँ पर काफी लगातार बनी हुई है, और एक आम महिला के लिए जिसको गृहस्थी में मैनेज करनी होती है, जिसको बजट के साथ चलना होता है, उसके लिए काफी अभी मुश्किलें सामने आ रही हैं। रेनू जी, कितने बच्चे हैं घर में, कितने सदस्य कितने हैं? मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे। तो बजट की बात करते तो एक टाइम का जो खाना भी बनता है, अगर हम लें सब्जियां लें, सिर्फ मैं 2 सब्जी की बात करती हूँ, क्योंकि दाल रोटी और एक सब्जी तो हमें चाहिए, वो भी जाकर 200 रुपए तक पड़ती है, क्योंकि एक टाइम की सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। प्याज लेते हैं अब आधा किलो से ऊपर लेते ही नहीं, क्योंकि वो भी जाके 60-70 रुपए की पड़ती है। तो टोटल देखा जाए तो बड़ा मुश्किल तो है, काफी मुश्किल दौर अभी है। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद एक बड़ा झटका आपको लगा है? बहुत बड़ा झटका, झटके पे झटके लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कंटिन्यू हमें हर महीने कोई ना कोई एक नया झटका मिलने सुनने को मिलता है। मतलब जहां तक सरकार की मैं बात कहूंगी तो सरकारें ये तो बोल रही हैं कि हमने बहुत सारे प्लान अप्लाई किए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को दी हैं, तो ये मैं सोचती हूँ कि उन्हें बड़ी फैसिलिटीज से ज्यादा बेसिक फैसिलिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये हर बंदे की एक जरूरत की चीज है। तो जरूरतें अगर पूरी नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए एक बात जो काफी सामने आ रही है, मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाला गया है कि जरूरत यदि पूरी नहीं होगी तो जिंदगी कैसे आगे चलेगी। यहाँ पर बेसिक नीड्स की बात है, नेसेसिटी है आज के टाइम में गैस सिलेंडर, नेसेसिटी है प्याज खरीदना, नेसेसिटी है दूध का पैकेट लेना, लेकिन यदि इस तरीके से इजाफा होता रहेगा तो आम लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ जहाँ तमाम अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तमाम पॉलिसीज का, तमाम जो भी फैसले आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असर पड़ रहा है आम जनजीवन पर, जो लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि दाम जो बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएं।